हेलो गाइज मैं हूँ रजनी वरुणा सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रजनी फूड्स एंड ब्लॉग्स में फ्रेंड्स आज मेरा मन किया कि आज स्टफ़ वाली भिंडी को भरी जाए तो पता है हमें अपना काम करते हुए भिंडी को मैंने कट धुल के कट करके बीस जीरा लगा करके उसको मैंने सारे मसाले तैयार कर लिए मसालों में हमने हल्दी मिर्च धनिया और हल्दी और धनिया को पाउडर जो होता है हल्दी और धनिया का पाउडर को मैंने हल्का सा रोस्ट किया हुआ था गरम तावे पर हल्के से इसमें लाने लगे बस आप उसको गैस को बंद कर दीजिए मिर्च मिला लिया हुआ है और इसके बाद थोड़ा सा सौंफ का पाउडर है नमक है और खट्टे के लिए हमने इसमें डाला हुआ है आमचूर पाउडर तो यही सारी चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें जो कि हमने इसमें मिलाई हुई है और हाँ स्टफ़ जो भिंडी है बहुत अच्छी लगती है और नॉर्मली तो हम लोग सब लोग बनाते ही बनाते हैं घरों में मसाले वाली और सूखी भिंडी भुजिया भिंडी और पता रसे वाली भिंडी तो गीली सूखी जैसी चाहो वैसे बनाओ लेकिन स्टफ़ भिंडी का एक अपना ही अलग मज़ा आता है तो यहाँ पर मैंने बस दो से चार मिनट में भर जाएगी और पहले से मैंने भिंडी को धुल करके और कट करके रखा हुआ था अच्छे से आप इसको पूछ दीजिए अगर आप सही टाइम सुखाने का नहीं मिला तो एक किचन टॉवल से इसको अच्छे से आप पूछ दीजिए इसके बाद आप चीरा लगा करके बीच से कट करके आप इसको स्टफ़ कर लीजिए तो मैंने वही किया है और बेसिक मसाले जो कि आगे हमने बता ही दिए हैं तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो शेयर तो शेयर तो ज़रूर करना और अपने फ्रेंड ग्रुप में इस रेसिपी को बना करके ट्राई करिएगा एक अलग ही आनंद आता है बहुत अच्छी लगती है तो कभी कभी ऐसी चीज़ें खा लीजिए चीज़े। और पता है ये चीज़ें बहुत अच्छी कब ज़्यादा अच्छी बहुत ज़्यादा लगती है जैसे कि आप पराठों के साथ खाइए या आप टिफ़िन में दीजिए या आपके हस्बैंड या फैमिली में कोई अगर ऑफिस जाता है आप उसको खिलाइए सच में लोग तारीफ़ करेंगे आपकी तो यहाँ पर हमारी भिंडी जो है वो भर करके रेडी हो गई है चलते किचन की तरफ और गैस को करेंगे ऑन तो आप देख लीजिए इस भिंडी को मैंने अच्छे से स्टफ किया है मतलब ऊपर तक मैंने एकदम फिल कर दिया कि मज़ा आ जाए करारापन आ जाए तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया जीरा डाला और तेल हमारा अच्छा खासा हीट हो गया गैस को धीमा रखा है अब सारी भिंडी को ट्रांसफ़र कर देंगे पैन में और आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है पैन में तो पैन में होता क्या है कि सारी भिंडी एकदम से फैल जाती है उसको स्पेस ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसको सोलो स्वा, फ्राई करना होता है ज़्यादा डीप तो करना नहीं होता है तो आप इस टाइप के बर्तन पर जब आप इसको फ्राई करते हैं ना तो बहुत अच्छे से फ्राई होती है मैंने वही किया हुआ है और हल्का सा इधर उधर करके इसको चला लेंगे एक दो मिनट के लिए देन इसको हम ढक देंगे एक ढक्कन लेंगे ढक्कन से ढक देंगे और ढक्कन को सिर्फ एक से दो मिनट के लिए इसको ढकेंगे बहुत ज़्यादा देर नहीं ढकना है एक से दो मिनट बाद फिर हम इसको खोलेंगे खोलने के बाद जो अपनी भिंडी है स्टफ भिंडी है उसको हम टर्न करेंगे आप चाहे तो अगर टॉस कर लेते हैं तो ऐसे करके आप टॉस कर लीजिए और इसके बाद में फिर आप इसको या फिर अगर आप टॉस नहीं कर पा रहे तो जैसे मैं पलट रही हूँ आप वैसे उसको पलट सकते हैं स्वाद में कोई कमी आने वाली नहीं तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना बार बार आप लोगों से कह रहे हैं जिसमें कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी रेसिपी और ब्लॉग वीडियोस लाती रहूं और एक अच्छी सी ब्लॉग आप लोगों के पास बहुत जल्दी आने वाली है अगले दो दिन में तो यहाँ पर फिर से मैंने एक बार भिंडी को ढके ढकने के बाद फिर से मैंने इसको खोला और भिंडी जो हमारी है बिल्कुल बन करके पक करके रेडी हो चुकी है तो आप इसको सर्व करिए अगर आपको सुबह बच्चों के लिए देना है तो आप पता है क्या करें रात में ही आप इसको भर कर रख दीजिए सुबह आराम से पाँच सात मिनट में बन करके रेडी हो जाएगी तो यार वीडियो को पूरा देखना कमेंट करना और इस रेसिपी को खुद भी ट्राई करना और आप सभी लोगों को शेयर करके अपने जितने जानने वाले हैं उनको शेयर करके आप लोग उनको भी सिखाइए और कमेंट करिए खाइएगा कमेंट करिएगा तो देख लीजिए प्यारे प्यारे सब पिक्स देख लीजिए हमारी जो रेसिपीज़ के हैं और जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी रेसिपी लेकर के फिर से आऊँ तो चलिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें अपनी फैमिली का ध्यान रखें फिर से मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग में तब तक, तक के लिए बाय टेक केयर